वार्ड नंबर 5 वाराणसी छावनी परिषद सभासद प्रत्याशी प्रकाश भारती डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे फोर्थ पिलर की टीम से प्रकाश भारती ने बताया कि क्षेत्र में सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करूंगा दूर, वही समाज सेवी के रूप में क्षेत्र में कर रहे हैं कई विकास कार्य, सड़क सीवर पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज जी। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में छावनी परिषद का चुनाव जो है वो होने वाला है। इसी क्रम में हमारी टीम इस वक्त वार्ड नंबर 5 में पहुंच चुकी है और हमारे साथ यहां पे मौजूदा प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 से मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं और क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो उनके वार्ड में लोगों को झेलनी पड़ती है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, अपना पूरा परिचय देते हुए पहले हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम प्रकाश भारती है, मकान नंबर 274 सदर बाजार कैंट का निवासी भी हूँ और वाराणसी महानगर से मंत्री भी रह चुका हूँ और काशी विद्यापीठ से पूर्व छात्र नेता भी हैं। यहाँ पे हम लोग आपसे यह जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। मेन मुद्दा देखिए, यहाँ कैंटोनमेंट में सफाई है, रोजगार है और जो यहाँ पे जितने भी दुकान लगते हैं सब दुकान में ज़्यादातर गरीब और लाचार टाइप के लोग छोटे छोटे दुकान लगाए हैं, तो कैंटोनमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका वो हटवा देते हैं पन्नी चुन्नी, तो वो चीज़ थोड़ा सिस्टम से हो रहा है। और मेन होता है शौचालय, यहाँ पे शौचालय ठीक से नहीं है, पानी गंदा आता है, नाली ठीक से साफ नहीं होता है, साफ सफाई नहीं रहता है, यहाँ पे कूड़ा हमेशा सब फेंक देते हैं, यही सब मेन मुद्दा हम लोगों को रखना है। जी, जैसा कि हमने आपके वार्ड में भी कुछ लोगों से बातचीत की है, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि कई उनको सीवर की भी समस्याएं झेलनी पड़ती है और साथ ही साथ कूड़े का अंबार जो है वो आपके क्षेत्र में देखने को मिलता है और उनकी कई ऐसी समस्याएं जिनका जल निवारण नहीं होता है, तो यहाँ की जनता आपसे क्या कुछ उम्मीद रख सकती है? यहाँ पे जितने भी मतलब जो यहाँ के मेन निवासी हैं और जनता, उन लोग हमसे यही बताएं कि यहाँ पे जितना भी पानी आता है, पानी ज्यादातर गंदा आता है और उसमें कीटाणु भी आ जाते हैं, महकता है पानी। यहाँ पे जो सीवर का मेन समस्या है, यहाँ शौचालय नहीं है, जिनके घर में शौचालय नहीं है वो यहाँ पे शौचालय करने जाते हैं लेकिन वहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है। मेन यही लोग हमको बोलते हैं कि यहाँ पे शौचालय का मेन मुख्य उद्देश्य है और एक वहाँ पे पेशाब खाना होना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे हैं जो पानी साफ सफाई रहे, सीवर रहे, कूड़ा उड़ा साफ सफाई से डेली होना चाहिए। बाकी पूजा पाठ में भी यहाँ पे जैसा और हर जगह मंदिर उंदिर बनता है लेकिन यहाँ मंदिर उंदिर के लिए कुछ ऐसा सुविधा नहीं है। आप एक समाज सेवी भी है तो समाज के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अभी आपने अभी तक क्या कुछ किया है? देखिए, क्षेत्रवासियों के लिए जो भी हमारे परिचय की महिलाएं हैं, बहुत बहुत से गरीब है, अनाथ है, लाचार है, बहुत से वृद्धा है, तो बहुत लोगों को मैं वृद्धा पेंशन चालू कराया हूँ, राशन कार्ड बनवाया हूँ, जिसके क्या कोई मृत्यु हो जाता है सर्टिफिकेट उकेट दिलवाना रहता है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या किसी के घर टूटने वाला रहता है या कुछ ऐसा होता है कैंटोनमेंट बोर्ड से, तो हम लोग जाकर CEO से मैम से सब बात करके अपना उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की जनता आपको चुनती है तो क्या कुछ उम्मीद रख सकती है आपसे? यहाँ पे अगर हमारी जनता अगर हमको चुनती है तो मैं वास्तविक तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि वार्ड नंबर 5 में अब तक भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से अभी तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग युवा हैं और काशी विद्यापीठ से पूर्व छात्र संघ में चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ पे पुस्तकालय मंत्री रह चुके हैं, तो हम लोग कैसे चुनाव करता है और कैसे होना चाहिए काम, ये हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कुछ सरकारी योजनाएं कई सारी ऐसी है केंद्र सरकार की तरफ से, जैसे पेंशन योजना हो गया, वृद्धा योजना, आवास योजनाएं, वो अभी तक लोगों को नहीं पहुंच पा रही, क्या यहाँ की जनता वो आपसे उम्मीद रख सकती है? के लिए सीवर शौचालय के लिए ये सब सरकार द्वारा जो होता है प्रधानमंत्री वाला तो वो मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है और हम लोग कई लोगों को दिला, हाँ कुछ लोग वंचित रह गए हैं, कुछ लोग फार्म नहीं भरे, कुछ लोग हमको बताए तो कई फार्म भरने का भी नहीं समझ आता है, तो वो कई जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनसे बातचीत करते हैं फिर भी उनकी समस्याओं का वो समाधान नहीं हो पाता है, क्या कुछ आपकी तरफ से? हमारे तरफ से यही है कि अगर जो लोग हमसे बोलते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत काम करने की कोशिश करते हैं, अब जितना भी हम लोग जानकारी में रहता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो गया, उज्ज्वल योजना हो गया, और ये सब जितना भी वृद्धा पेंशन वेंशन जितना भी है सबके लिए हम लोग अपना काम करने की कोशिश किए हैं और कर भी रहे हैं। क्या वोट अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र? हम देखिए बस यही अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 5 में जितने भी हमारी यहाँ जनता है, बड़े बुजुर्ग हैं, एक बार प्रकाश भारती को आशीर्वाद दें, कम से कम हम युवा हैं, काशी विद्यापीठ छात्र संघ में रह चुके हैं, तो हम जरूर यहाँ से CEO ब्रिगेडियर से अच्छे से बात कर सकते हैं, यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। जय हिंद।
आप देख सकते हैं अभी हमने वार्ड नंबर 5 से प्रकाश भारती जी से बात किया है, जी वो अभी चुनाव के लिए उठ रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि समाज सेवी के रूप में तो वो काम कर रहे, युवा होकर एक वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब यहाँ की जनता उनसे उन्हें चुनेगी तो वो जो भी उनकी समस्या है वो जल्द से जल्द निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली बाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज़।